हेलो एवरीवन एक और वीडियो लेके आ गए हम वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर पहले क्या क्या किया है वर्क क्या होता है टाइप ऑफ वर्क क्या होता है एंड वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स पिछला वीडियो देखो समझने के लिए और इसमें क्या करने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और वर्क एनर्जी थियोरम चलिए क्या पता होना चाहिए आपको वर्क क्या होता है फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस यूनिट ऑफ वर्क एस आई में जूल सी जी एस में अर्ग वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क यूनिट ऑफ एनर्जी वही वर्क वाली यूनिट यानी कि एस आई में जूल सी जी एस में अर्ग और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर ऑफ एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी काइनेटिक एनर्जी जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं सो द एनर्जी पर्जिस्ट बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी सिंपल भाषा में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसे मैं काइनेटिक एनर्जी कहता हूँ तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पे है ये बॉडी है जिसका मास है एम इनिशियली रेस्ट पे है इस पर हमने लगाई फोर्स एफ ठीक है ताकि क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया इसकी वेलोसिटी हो गई वी और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एस तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा w इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस अच्छा अब फोर्स और जो डिस्टेंस का वर्ड है वो सेम डायरेक्शन में इसीलिए एंगल ज़ीरो तो कितना आ गया एफ एस एफ की जगह एम ए लिखा तो ये आ गया डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम ए एस इसे हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दिया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस होता है यू जीरो है तो हमने वैल्यूज रखी तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इज इक्वल अगर रखा तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल आया या कह सकता हूँ वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए एस इसको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर वन में तो मिला हमें डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और ये वर्क डन जो है ये आपका काइनेटिक एनर्जी का मेजर है जो उस बॉडी ने एक्वायर की तो लिख सकता हूँ डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर चलिए काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करते हैं कैलकुलस मेथड से तो हमने किया कि एक बॉडी है जिसका मास एम है इनिशियली रेस्ट पे है हमने कांस्टेंट फोर्स एफ लगाई बॉडी के ऊपर तो बॉडी डिस्प्लेस कर गई डी एस से अपनी ही डायरेक्शन में तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस यानी कि एफ डी एस कॉस ज़ीरो कॉस जीरो वन होता है तो एफ डी एस आ गया एफ की जगह हमने एम ए लिखा तो ये आ गया एम ए डी एस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया ए की जगह डी वी बाई डी टी लिखा फिर हमने रीअरेंज कर दिया मतलब ये डी एस बाई डी टू इन डी वी कर दिया डीएस बाई डी टी होता है वेलोसिटी यानी कि वी तो मेरे पास आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी इसे हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दिया ना वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम जीरो टू वी वो कितना निकलेगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया और वी डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाई टू फिर हमने इसमें लिमिट्स रखी इसीलिए आ गया m बाहर ब्रैकेट में वी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू जीरो ही होगा ठीक तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है दैट द वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इसे डिराइव करते हैं तो हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी है जिसका मास एम और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू तो हमने इस पर लगाई कांस्टेंट फोर्स एफ जिससे बॉडी ने एक्सीलरेशन एक्वायर किया ए तो एफ इक्वल टू एम ए अच्छा वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस एफ डी एस कॉस जीरो डी एस आ जाएगा क्योंकि कॉस ज़ीरो वन होता है एफ़ की जगह एम ए लिखा ए की जगह डी वी बाई डी टी लिखा और फिर रीअरेंज किया तो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एम वी डी वी इसे इक्वेशन नंबर वन नाम दिया हमने टोटल वर्क डन निकालना है अब जब हम वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं यू से वी तो इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर वन को उससे निकलता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू से वी एम वी डी वी ठीक है m बाहर आ जाएगा उसके बाद हमने क्या किया कि इसे इंटीग्रेट किया v dv को तो वो आ गया वी स्क्वायर बाई टू फिर हमने लिमिट्स रखी यानी कि पहली बार इस जगह पे v रखा तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई टू फिर हमने इस इस जगह पे u रखा तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई टू तो मेरे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ़ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और यही थी वर्क एनर्जी थियोरम चलिए वर्क एनर्जी थियोरम को डिराइव करते हैं एन सी आर टी के मेथड से वी नो के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया अब वन बाई टू एम तो बाहर आ गया डिफ्रेंशिएशन होगा वी स्क्वायर का वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है टू वी और फिर वी का अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा डी वी बाय डी टी अच्छा यहाँ वन बाई टू और टू जो है वो कैंसिल आउट कर गए तो मेरे पास क्या बच गया डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम वी इंटू ए ठीक है फिर हम एम इंटू ए होता है एफ़ तो ये एफ वी रह गया यहाँ पे अच्छा वी को हम डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं ठीक है तो ये आ गया डी के इज इक्वल्स टू एफ डी एस अब दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है के इनिशियल से के फाइनल और राइट right हैंड का है एस वन से एस टू में ठीक है अच्छा राइट हैंड साइड में एफ़ बाहर आ गया क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है ठीक है डी के का हो गया के और डी एस का हो गया एस फिर हमने लिमिट्स पुट की तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इजिकल टू एफ़ एस टू माइनस एस वन या हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और यही है वर्क एनर्जी थ्योरम चलिए पहला एग्जांपल समझते हैं अ बॉडी ऑफ मास इन स्ट्रेट मासन विदोसिटी वी इक्वल टू ए एक्स टू द पावर ऑफ थ्री बाई टू जहां ए है फाइव ओके यूनिट विद यू इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरोक्वल टू टू मीटर ठीक है तो एम दिया हुआ A है ए वन है इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू ज़ीरो ओके बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो अगर एक्स जीरो है यहाँ जीरो रखेगा तो वी भी ज़ीरो ही आएगा ठीक है वी यानी कि यू केस में फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू ए एक्स तो टू द पावर थ्री बाई टू है यहाँ हम क्या करेंगे ए और एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह टू रखा ठीक है तो ये हमारे पास आता है क्वल टू टेन रूट टू मीटर पर सेकेंड वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि टू हाफ एम इन ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वैल्यूज रखी सारी की सारी तो इससे हमें मिला वर्क डन इज इक्वल्स टू फिफ्टी जूल्स चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे अ बॉडी ऑफ मास टू के जी इनिशियली एटरेस्ट moves under the action of an applied force of 7 newton on a table with a coefficient of friction 0 0.1 compute the change in kinetic energy of the body in 10 seconds and interpret your result okay so mass is given u is 0 t 10 seconds f 7 newton and mu is equal to 0 0.1 we know f equal to ma dash so say a dash nikla 3.5 वी नो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर आर की जगह एम जी तो यहाँ हमने वैल्यूज रखी तो ये निकला माइनस ऑफ 1.96 न्यूटन और एफ इक्वल टू होता है एम ए डबल डैश यहाँ पे क्योंकि ए डैश में ऑलरेडी एक एक्सीलरेशन ले चुका हूँ यहाँ वैल्यूज रखी तो एक्सीलरेशन निकला माइनस ऑफ पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो टोटल एक्सेलरेशन ए होगा इन दोनों का सम यानी कि 2.52 मीटर पर इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस एटी होता है वैल्यूज़ रखी तो मेरे पास v निकला 25.2 मीटर पर सेकंड, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर तो हमने वैल्यूज रखी और आंसर निकला 635 जूल्स चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बॉडी ऑफ मास 5 के इज मूव्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन and its displacement x varies with time t according to the relation t is equal to under root of x plus 1 find the work done in moving the body for first 10 seconds okay so mass is given and t is given t is under root of x plus 1 so under root of x is equal to t minus 1 squaring both sides x is equal to t minus 1 whole square yani ki t square plus 1 minus 2t ना वेलोसिटी होता है वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हमने एक्स की वैल्यू रखी और टर्म सेपरेट किया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू टी वन का होगा जीरो क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और डी टी बाई डी टी हो जाएगा वन तो मेरे पास आ गया वी इज इक्वल टू टू टी माइनस टू ठीक है टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स निकलेगी माइनस ऑफ टू मीटर पर सेकेंड टी इक्वल टू टेन सेकेंड्स पर निकलेगी एटीन मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियोरम वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने वैल्यू पुट की और आंसर निकलता है एट हंड्रेड जूल्स चलिए क्वेश्चन नंबर फोर इन ए बेलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अलिस ऑफिसर फायर बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स विद अ स्पीड 200 मीटर पर सेकंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10 परसेंट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर मास को हमने के में कन्वर्ट किया यू की वैल्यू रखी टू स्क्वायर किया तो मेरे पास आया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थाउजेंड जूल्स एंड द फाइनल इज टेन परसेंट ऑफ इनिशियल यानी कि हंड्रेड जूल्स अच्छा फाइनल के लिए क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर तो हमने वैल्यू स्पोट की तो मेरे पास आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर थाउजेंड या वी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी रूट टेन विच इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर फाइव बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई थ्री हंड्रेड परसेंट बाई वट परसेंट विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज चलिए लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ टू एम के ये कहाँ से आया भाई देखो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एम से मल्टीप्लायर डिवाइड किया तो ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम एम स्क्वायर वी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख सकते हैं तो के इक्वल टू पी स्क्र बाई टू एम या पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू एम के अच्छा नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पुरानी प्लस थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ पुरानी दैट गिव्स फोर के नया लीनियर मोमेंटम पी डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू एम के डैश तो ये निकलेगा टू इन टू अंडर रूट ऑफ टू एम के यानी कि ट्वाइस ऑफ द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ना परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू हंड्रेड परसेंट यानी कि लिख सकते हैं पी डैश अपॉन पी माइनस वन इंटू हंड्रेड परसेंट तो वैल्यूज रखी तो ये आता है हंड्रेड परसेंट यानि कि परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा हंड्रेड परसेंट चलिए रिकैप कर लेते हैं क्या पढ़ा है अब तक तो हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसकी एनर्जी फॉर्मूला है हाफ एम वी एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय नेट फोर्स इन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चलिए अब आ गया असाइनमेंट पहले नो क्वेश्चन पॉज द वीडियो पहले क्वेश्चन ट्राई करो ना आए तो नेक्स्ट वीडियो देखो जिसमें इसके आंसर्स हैं और भी है ये हो गए बचे हुए टोटल थर्टीन क्वेश्चन हैं डू ट्राई ऑल ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखो एक्नॉलेजमेंट थैंक यू सो मच गूगल बिंग एनसीआर टी जहाँ से जो इमेज और डेटा लिया गया और अगला वीडियो जरूर देखना क्योंकि इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन है थैंक यू सो मच